मात्र छाया चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में गांधी गली में मंद बुद्धि महिलाओं के लिए संचालित मात्र छाया में रहने वाली दो मंद बुद्धि महिलाओं को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर उनके परिजनों को सौंपा गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, महिला थाना की प्रभारी अर्चना सिंह, निदेशक आलोक मणि त्रिपाठी, श्वेता मिश्रा, शुभि पांडे, प्रियेश मालवीय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड के मोती झील जिला साहेबगंज निवासी तालामय मरांडी तथा भागलपुर बिहार निवासी सुलेखा को केक कटवा कर उन्हें उनके परिजनों के साथ गंतव्य को रवाना किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिलाओं के परिजन और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, बाबूलाल मंडल दिन से 7-8 महीनों से गायब है। कैसे पता चला? थाना द्वारा जानकारी हुआ, थाना से जानकारी हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर को, भागलपुर बिहार में जी। आज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको जी। पैसा तो नहीं लगा आपको यहाँ पे? नहीं जी, पैसा नहीं होगा। ग्राम मोती झील फोस्ट मंडरो थाना मेरे चौकी जिला साहेबगंज का निवासी हूँ। ये मेरा बुआ है। कब से गायब? 2 साल से गायब है पागल के नाते। ये मिथे छया फाउंडेशन ये संस्था से ये ठीक हो गई, इसलिए यहाँ पर संचालन जितने भी आवक दीपक वो सब सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। पैसा नहीं लगा यहाँ पे? पैसा नहीं लगा है सर। कैसे पता चला आपको यहाँ पे है? ये थाना से मुखिया साहब को खबर दिया और मुखिया साहब हम लोग दिया खबर दिया, इसी चलते यहाँ हम लोग आ गए हैं। देखिए, ये जो मातृ छाया ये जो यहाँ पे संस्थान चलाया जा रहा है, इसके जो संयोजक हैं आलोक जी, वो बहुत ही दिल से इसमें काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना रखा है समाज सेवा। तो उसी के दौरान अभी दो महिलाओं को जो 1 साल से यहाँ थी उनको पूर्णतः ठीक हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरी सहायता, उनका काउंसलिंग और उनकी जो भी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने उसको पूर्ण किया है, सेवा की है। और आज एक भागलपुर और एक झारखंड में बहुत दूर तक ये लोग वहाँ जाएंगे, अपने घर से ज्वाइन करेंगे, जो ये उसके लिए ये बधाई के पात्र।